हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज हमारी गेम के अंदर आया था एक वी बैच प्लेयर। एक वी बैच प्लेयर जब नॉर्मल प्लेयर के साथ आता है तो उसकी हालत टाइट हो जाती है, उसकी कांपें टांगना शुरू हो जाती है। बट वही वी बैच प्लेयर अगर हैकर के सामने आता है तो हैकर उसको किस तरीके से फेंटा लगाता है वो इस गेम के अंदर आप लोग देखोगे। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला है भाई छोटा सा गन लॉन्ग रेंज का, लेकिन ये अच्छा गन नहीं है, मुझे किंगफिशर अच्छा नहीं लगता। ओके लॉगी एफआर भी फैजल वी बैच प्लेयर यहाँ पे नॉक है। मुझे लगा ही था भाई रैगना रोग कोई बंडल है तो प्लेयर काफी अच्छा होगा, बट वी बैच होगा ये मैंने नहीं सोचा। तो फर्स्ट के लिए अपना वी बैच के साथ डन है। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे अगर कोई बंदा पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बिल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इंजॉय कर सके। ओके यहाँ पे एक बंदा है गाइस जिसको हमने हल्का सा, और उस बंदे ने एक गोली से छोड़ा, जल्दी से मेडिकेट मार लेते हैं, लेट के मार लेते हैं क्योंकि मेडिकेट भाई अगर नहीं लगता तो अपना काम खराब हो जाना था। यहाँ पे टोटल लिटरली सामने वाले प्लेयर ने अपने को एक गोली से छोड़ा था, पीछे एक बंदा आ रहा था, डिलीट भाई ने बहुत ही गंदे वाला कवर दिया था। अगेन यहाँ पे मैंशन कर दो फुली हार्ड ग्रैंड मास्टर रीजन लॉबी आई हुई है क्योंकि वी बैच को हमने उतरते साथ मारा था। तो बाकी चेक करो भाई किस लेवल के ऊपर हम लोग गेम प्ले करते हैं और क्या ये गेम भूया जाती है कि नहीं, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत अच्छा यहाँ पे हेड शॉट लगा है यार, कोई बात नहीं यहाँ पे वी बैच फैसल ने हम लोगों को मारा है। बट अपने स्क्वाड के उमर भाई की मैं थोड़ा सा बता दूँ कि उमर भाई काफी अच्छे सर्वाइवर है और डिलीट भी काफी अच्छे प्लेयर है। तो डिलीट यहाँ पे सामने शायद रेगनर ऑफ बंडल वी बैच सामने है, इसने शायद देखा है तो, अरे भाई इस बंदे को जानते तो हो गए। तो डिलीट 99 का यहाँ पे काफी अच्छा वन टैप एफसी फैजल को, इनका नहीं पता तो भाई पिछली चेक करो भाई, शुरू में उतरते साथ हम लोगों ने भी मारा था और डिलीट ने इनको मार के अपना पहला किल भी कंफर्म कर लिया वी बैच के साथ। इससे पहले भी शायद उन्होंने मारा है बट हम लोगों का टोटल एक किल है। तो रिवाइव होके यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, लूट वगैरह कर लेते हैं। ओके गाइस लूट वगैरह हम लोगों ने कर ली है, MP40 और अपने को मिला था इसके साथ वन टैप गन SKS। ओके अगेन यहाँ पे वी बैच प्लेयर नॉक है, तो सेकंड टाइम आपके भाई ने नॉक करा है, एक दफा इसको डिलीट ने मारा था। तो चेक कर लो भाई यहाँ पे तीन दफा वी बैच प्लेयर हम लोगों से पिट चुका है। तो भैया आपके भाई की गेम प्ले तो आप लोगों को लग ही रही होगी कि तगड़ी है भाई। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेंशन कर दो यूट्यूब चैनल पे आ तो जाते हैं, वीडियो भी देख लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते। तो भैया सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा और लाइक नहीं करा तो वे भी लाजमी से कर दिया। कुछ लोग लाइक करना भी भूल जाते हैं, ये थोड़ी सी भाई मुझे लगता है एक गंदी आदत है लोगों की, तो आप लोगों ने लाइक लाजमी से करना है। अगेन वही बंदा रैगनर हो गया यहाँ पे उतरा है वी बैच प्लेयर, इसको लेते हैं भाई आज नहीं छोड़ने वाले। ओके FRB फैसल यहाँ पे अगेन भाई साहब नॉक है, तो इस बंदे को हम लोगों ने चौथी दफा यहाँ पे मार लिया है जिनमें से तीन किल हमारे पास रहेंगे इसके, और एक दफा भाई हमारे भाई ने मारा यानी डिलीट 99 इस सीजन के हमारे सबसे अच्छे दोस्त रहे क्योंकि इनके साथ हमने सबसे ज्यादा गेम स्क्वाड के अंदर खेली है। बाकी इसके अलावा उमर भाई बहुत अच्छे सर्वाइवर है और नंबर वन की क्या ही बात करें, वो तो भाई जिगर है। ओके इस साइड भी एक बंदा था जो कि देख के हम लोगों को भाग रहा है, ये बंदा बहुत तगड़ा है भाई, इसकी ड्रेसिंग सेंस से लग रहा है कि बंदा किस लेवल पे है क्योंकि MP40 मैक्स पकड़ी हुई थी और दूसरी गन की बात करें तो क्या ही गन है और ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है बंदे का। तो इस साइड भी एक और बंदा है, अबे ये तो वही वी बैज है। तो गाइस काउंट कर लो यहाँ पे पांच दफा ये हो चुके हैं, चार दफा हम लोगों ने मारा और एक दफा अपने टीममेट ने मारा है। यहाँ पे अच्छा शॉट, हेडशॉट कनेक्ट करने की ट्राई जरूर करी बट हेडशॉट यहाँ पे लगा नहीं है। ओके इस पे रश करते हैं। ओके एक्स खाने यहाँ पे नॉक है, एक और प्लेयर DCT खटक, मैंने बोला है ना डिलीट डायरेक्टर बहुत अच्छा खेल रहे हैं भाई। ओके अगेन वही वी बैच गया भाई, FRB फैसल को यहाँ पे पांचवी दफा हम लोगों ने नॉक करे, तो वी बैच प्लेयर पांचवी दफा हम लोगों से पिट चुका है। तो भाई इसको इमोट दिखाना तो बनते थे भाई, मैं हम लोग को खूब इसको इमोट दिखाए हैं
39 बंदे अभी तक अल्लाह के मैंने बोले लॉबी बहुत हार्ड ही है भाई। इनका जो सर्वाइवर है चेक कर रहे हो, 5 दफा तो उसने इसको रिवाइव करा दिया है। हम लोग टोटल एक दफा मरे हैं, वो भी भाई किसी और बंदे ने डैमेज दिया था, तो पीछे से इस बंदे ने अपने को एक गोली मार के अपना किल लिया था। तो बट रिवेंज जो इस लेवल पे हम लोगों ने लिया, लिटरली 5 दफा वी बैच प्लेयर को हम लोगों ने मारा है, 1 दफा डिलीट भाई ने मारा है। और इस साइड में भी बंदे थे, हम लोगों ने बाद में रियलाइज करा कि पीक के ऊपर ही चलते हैं। ओके, एक प्लेयर को इन्होंने नॉक कर दिया बलीद, और इसका किल भी शायद इन लोगों ने कंफर्म कर लिया। इस साइड के ऊपर और भी बंदे हो सकते हैं, तो इनको लेते हैं भाई। अब तक जो मारे हमने सिर्फ वी बैच प्लेयर को मारा है, तो आप चेक करो भाई और प्लेयर, ये एक प्लेयर रहा। ओके, क्यूट जट नॉक है यहाँ पे भाई। इससे पहले जो आप लोगों ने किल देखे वो सिर्फ आप लोगों ने 5 किल बी बैच पे लिए थे, बाकी अभी 7 किल हो चुके हैं। तो आगे का गेम प्ले भाई चेक करो आप लोग। ओके गाइस, मुझे लग रहा था कि इस साइड छत के ऊपर भी, हाँ यही बोला था मैंने कि छत के ऊपर भी मुझे लग रहा था कि एक बंदा है, तो इसको हम लोगों ने कर दिया नॉक। ओनली बॉडी स्प्रे यहाँ पे M4A1 3 चिप थी तो करते हजार। तो जल्दी से मैंने किल पूरा करके लॉन्च पैड लगाया, मुझे लग रहा था कि शायद इस साइड पे शॉप पे फाइट हो रही है, तो मैंने जल्दी से इधर आ गया भाई हम लोग। और यहाँ पे आते मुझे नजर आया सबसे पहले भाई यहाँ पे शायद येलो क्रिमिनल था ये रहा भाई। बहुत ही अच्छे हेडशॉट यहाँ पे येलो क्रिमिनल को मारे थे हम लोगों ने, बट ये वाला किल भी चोरी हो गया। बट कोई ना, 8 किल तो हम लोगों ने पहले डन कर लिए थे, तो आराम से हम लोग, मुझे लग रहा था कि इस गेम में 5 से 6 किल और भी निकाल सकते हैं। 38 बंदे अभी तक अलाइव थे, तो लॉबी का आप लोग चेक कर सकते हो कि कितना हार्ड और ग्रैंड मास्टर है। यही होता है भाई, अगर ग्रैंड मास्टर लॉबी में एक प्लेयर मरता है तो बाकी 3 उसको, और भाई अफरीदी को बहुत अच्छा हेडशॉट, तो बाकी 3 सबसे पहले उसको रिवाइव करते हैं, फिर रश के लिए जाते हैं। ये अच्छा सीन होता है, अगर आपके पास स्क्वाड अच्छा है तो भाई रिवाइव सर्वाइवर ना भी हो तब भी आप अच्छी दफ़ा रिवाइव, यानी 3-4 दफ़ा रिवाइव हो सकते हैं। और अगर आपके पास सर्वाइवर हो तो वो तो ऑफकोर्स आजकल हर प्लेयर के पास होता है, अगर वो रीजन प्लेयर गलती से भी है या इवन टॉप 200 के अंदर है, तो उन लोगों ने भी सर्वाइवर अपने स्क्वाड में रखा होता है। मैंने भी कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था कि भाई मुझे एक सर्वाइवर की ज़रूरत है, तो बहुत सारे भाइयों ने यहाँ पे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बोला था हमें सर्वाइवर रख दो। तो यहाँ पर एक बंदा गाड़ी लेके आया था, मैंने टीममेट्स को बोला कि इसकी गाड़ी फाड़ दो भाई। चलो, उस बंदे ने अपनी डैमेज छोड़ी थी, लेकिन उस डैमेज छोड़ने से पहले ही हम लोगों ने किल पूरा कर दिया था। ओके, वे बंदा भाई बहुत ही तगड़ा था, इसने भाई मोस्टर ट्रक पकड़ा था, क्योंकि इसने मोस्टर ट्रक को कंट्रोल कर लिया था, हल्का सा हमारी साइड पे लेके आया था, तो भाई इसका मोस्टर ट्रक हम लोगों ने फाड़ देना। तो यहाँ पे था गाइस हमारे पास लॉन्च पैड एक, और तो हम लोगों ने ये लगाया क्लॉक टावर की साइड, और क्लॉक टावर की साइड जैसे लगाया यहाँ पे एक स्क्वाड था जो कि रश कर रहा था, तो MP40 थी, तो मैंने कहा चलो। और M4A1 के 2-3 हेडशॉट लगे थे भाई, तो MP40 से जल्दी से मैंने कहा रश कर देते हैं, ग्रेनेड वगैरह डाल दिए थे जितने वगैरह थे हमारे पास। बट ये सीन यहाँ पे ये होता है कि डिलीट भाई हमारे यहाँ पे नॉक हो जाते हैं। दिलीप भाई का नॉक आना उनके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि उनको लगा कि एक प्लेयर नॉक है, तो इन्होंने रश करा, और जिसकी वजह से भाई वो दोनों तीनों ही मार गए। तो 11 किल हमारे इसी जगह पे डन हो चुके थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी है, हमारा स्क्वाड एक साथ रह के रश कर रहा था, वे काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास अच्छा स्क्वाड नहीं है तो आप स्क्वाड के साथ खेलो, तो आप लोग अच्छे किल निकाल सकते हो, क्योंकि आपके मरने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। यहाँ पे एक बंदा था जिसको मैंने एक शॉट मारा था, बट दूसरा लग नहीं रहा था क्योंकि वो ब्लूअर के अंदर भाई पैक था। मैंने कहा जल्दी से जोन के अंदर चलते हैं। अभी अगर आपने ये वाला वीडियो यहाँ तक देखा है और लाइक नहीं करा, तो गाइस ये आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक बोलूंगा मैं इसको। जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर कर लो। यहाँ पे एक बंदा, ओके हम लोगों ने भाई ये जो न्यू गन है इससे मारा था, बट इतना अच्छा डैमेज पड़ा नहीं था। मुझे लग रहा था इस साइड में वी बैज रैग्नारोक जा रहा है, तो मैंने 2-3 शॉट मारे, बट वो नहीं था। यहाँ पे कोई लवली था जिसको भाई नॉक करके हम लोगों ने फिनिश लिया, तो इसके साथ 12 हम लोगों ने कर लिया था डन। और इस साइड पे अपने स्क्वाड के साथ बहुत अच्छे बंदे लड़ रहे थे, हमारे स्क्वाड ने डिलीट का बोला तो काफी अच्छा खेला है उन्होंने। ओके, यहाँ पे बहुत ही अच्छे शॉट पड़े थे,
और ब्लू वॉल के अंदर भाई हेडशॉट भी लगा था। तो टोटल एक गोली का यहाँ पे इसरार था जिसको हम लोगों ने नॉक एंड फिनिश दे दिया था। ट्रैक की फिनिश हो गया, स्क्वाड वाइप आउट हो गया था। बिल्कुल ही लास्ट जून गाइस 13 किल हम लोगों ने निकाल लिए। और बंदों की बात करें 21 बंदे अलाय में, टोटल एक ही शॉप थी मशीन जोन के अंदर। और ऊपर जो स्पेक्टेट बंदे कर रहे थे, अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं करा तो कर लो भाई, बहुत ज्यादा बंदे यहाँ पे स्पेक्टेट कर रहे थे मुझे। ओके यहाँ पे एस हंटर भाई आ रहे थे जिसको हमने लोगों ने सिर्फ एस वी डी वाई जो कि कत इजहार है, एस वी डी वाई ग्रूजा एक्स और ए डब्ल्यू एम वाई, ये ऐसी गन्ने हैं जिनके एक शॉट से भी कभी कभी बंदा मर जाता है क्योंकि बहुत ही गंदा वाला जहर किस्म का डैमेज देती है। यहाँ पे एक और लॉन्च पैड था जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था। सामने के साथ स्पॉट जा रहा था, मैंने कहा एक था जैसे नो को हम लोगों ने नाश कर देना है और वहीं करा। जैसे ही एक नॉक हुआ तो भाई हम लोग चले गए फौरन उन पे रश के लिए। बट यहाँ पे इतने ज्यादा बंदे थे ना क्या ही बोले, मैंने बहुत सारे नॉक करे यहाँ पे। एक जीरोक्स, ओके यहाँ पे कैपी शर्बी और कोई इस तरीके का नाम, और इसका किल मिला था। बट दूसरा किल जो है ना वो यहाँ पे वो भी हम लोगों ने उठा लिया, बट नीचे की साइड वाला किल नहीं मिला था इसको। दो शॉट, ओके अंदर वाले बंदों ने भाई स्किलें लगाई है। अंधे और बंदों को इतनी दफा नॉक करा है ना, अभी चेक करो भाई 10 बंदे रहते हैं और हमारे स्क्वाड के सिर्फ 3 प्लेयर रह गए हैं, एक मरा है टोटल। एस वी डी वाई यहाँ पे इतना रिकॉयल भाई देखने को मिला क्योंकि टोटल एक शॉट कनेक्ट हुआ। जोन में जो बंदा दे आ रहा था उसको भाई अपने डिलीट भाई ने यहाँ पे नॉक एंड फिनिश किया। और जितने भी इस गन के अंदर लॉन्चर थे हम लोगों ने मारे ग्लूवल के ऊपर, बट डैमेज उसको पड़ा नहीं, मुझे लग रहा था जिंदा है। बट ये वाला किल किसी ने चोरी कर लिया था, किसी और ने मार दिया था, तो वे काफी अच्छी चीज नहीं थी हमारे लिए। बाकी सर्वाइवर अभी तक चेक कर सकते हैं, जोन में जाके रिवाइव कर रहे हैं। ग्रेनेड थे भाई, बंदों ने दिमाग लगाया था यहाँ पे, हम लोगों ने बार बार नॉक करे यहाँ पे बट वो किल मिले नहीं रहे थे, बार बार रिवाइव हो रहे थे। यहाँ पे मैंने टीममेट्स को बोला था भाई रश करो, लेकिन टीम मेट्स ने एक नहीं सुनी, वो भाई दूर चले गए। और MP40 में इतनी अपने पास एमओ थी नहीं कि हम लोग ग्लूवल तोड़ के रश करते, क्योंकि इन लोगों ने लगाने थी 6-6, 7-7 ग्लूवल। ओके यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा शॉट एक कनेक्ट करा, बट पीछे की साइड से जो बंदा था ना वो इतना कते जहर गंदा डैमेज दे रहा था ना क्या ही बोले। ओके यहाँ पे टीजी मूसा को एक अच्छा हेडशॉट हम लोगों ने एसवीडी का वाई का मारा और ये बंदा 4 से 5वीं मरतबा हम लोगों ने नॉक करा है। ये लो इस साइड वाला बंदा अभी तक जिंदा था, तो इसकी वजह से भाई हम लोग सिर्फ मरे हैं। बट कोई ना, 16 किल हम लोगों ने निकाल लिए थे। डिलीट भाई जो कि अपने लौते प्लेयर बचे थे, 1v2 था लास्ट जोन में, लेकिन इनके पास भी MP5 में वो इंसान था जैसे हमारे पास MP40 में गोलियां खत्म, इस भाई के पास MP5 3 चिप में गोलियां खत्म हो गई थी, तो वे थोड़ा सा दिक्कत वाला सीन था। लास्ट जोन गाइस, डिलीट भाई अकेले बचे हैं जिनके पास शॉटगन में एमो नहीं है, तो अजी बढ़ गए थे यहाँ पे। बाकी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट।